आपने ये तो सुना ही होगा और देखा भी होगा कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, मगर बड़े बड़ों के हाथ से अगर बच्चे छूट गए या बिछड़ गए तो आप तो यही पूछेंगे ना कि इसमें बच्चा कौन था। बड़े अच्छे लगते हैं कि ये कहानी देखकर आप भी यही कहेंगे, अरे यार इसमें बच्चा कौन था, पीहू या फिर उसकी माँ। जगह जब इकट्ठा हो जाएं, अरे बाबा हम अमर अकबर और एंथनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं राम प्रिया और कृष की और उनके साथ ये छोटी सी इस पीहू की। ये चारों आज एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन प्रिया और कृष को ये नहीं पता कि राम ने इन्हें देख लिया है। राम की नजरों ने जो देखा है उससे उसे महसूस हो रहा है कि प्रिया की ये तो हैप्पी फैमिली है, वो क्या जाने कि प्रिया की फैमिली तो वो है। खैर ये सब बहुत लंबी राम कहानी है, इस सीरियल में बड़े फुर्सत से आगे बढ़ेगी। फिलहाल आपको ये बता दें कि राम यहाँ पर पहुँचा क्यों है। पीहू तो छोटी बच्ची है, लेकिन उससे भी छोटी बच्ची प्रिया निकली जिसके पास से पीहू न जाने कैसे गायब हो गई। अब ये मीम्स तो टीवी सीरियल की बहुओं को लेकर बनना चाहिए था कि छोटी बच्ची हो क्या, एक बच्चे को तो संभाल नहीं पाते हैं। पहले तो कुंभ के मेले में बच्चे अक्सर गुम हो जाया करते थे, लेकिन आज तो माँ की आंखों के सामने से बच्चे गायब हो जाते हैं। इधर पीहू गायब हुई तो उधर वेदिका की एंट्री हुई, क्योंकि पीहू तो वेदिका की गाड़ी से टकरा गई है। अफरा तफरी में पुलिस वाले आए और वो वेदिका को थाने ले गए। फिर क्या, जब भी मुसीबत में होती है ना वेदिका, वो याद करती है राम को और लीजिए राम हाजिर हो गए। अब राम ने वेदिका को छुड़ा लिया, लेकिन उसके दिमाग में तो वही पिक्चर छप गई है प्रिया की हैप्पी फैमिली वाली। अब राम के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याली पुलाव बनेंगे जिसका टेस्ट केवल उसे ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुभव का ऑपरेशन हो गया सफल, सफल सफल क्यों ना होता, यह इत्तेफाक तो होना ही था, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो भगवान के पास जो गई थी, मतलब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, तो सीरियल की बहू की प्रार्थना भगवान ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? गोली लगी है लेकिन बाइट जरूर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हर पार निकल गई है फिर भी चेहरे पे एक शिकन नहीं, लाइफ ऐसी होनी चाहिए एकदम पॉजिटिव ऑलवेज। वाह वाह अनुभव वाह, डेडिकेशन हो तो कुछ ऐसा। ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर लेटे हुए अनुभव को भले ही शो में गोली लगी हो, लेकिन वो
इस सीन का खूब मजा लेते दिख रहे हैं। गोली लगी है लेकिन बाइट जरूर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मतलब देख रहे हैं आप अनुभव कुलश्रेष्ठ की पॉजिटिविटी को देखिए, इतनी मतलब गोली आर पार निकल गई है फिर भी चेहरे पे एक शिकन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक का माहौल। वैसे तो एक्टर्स हर दूसरे दिन ड्रामेटिक सीन्स करते हैं, लेकिन जब कोई हॉस्पिटल का सीन आता है तब उनके लिए वो एक आराम का जरिया बन जाता है। ऐसा क्यों, ये आप अनुभव को देखकर समझ जाएंगे। जहां एक तरफ मेकअप दादा पूरी शिद्दत के साथ गोली का घाव बना रहे हैं, तो उसी दौरान अनुभव आराम का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव का तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ना काफी दिनों से वो जो सोने के पर जैसे कि मैं कह रहा था कि मुझे नींद नहीं मिली है काफी दिनों से, इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो फाइनली अब मैं थोड़ा सा यू नो इस ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे सो सकता हूँ। अनुभव, बस जो ये मेकअप दादा आपके पीछे गोली के घाव की सर्जरी कर रहे हैं ना, उम्मीद करते हैं कि वो इन जनाब की तरह ना निकले जिन्होंने कमाल का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था। मुंबई से बॉबी मधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है सास बहू और साजिश की आज की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुमकुम भाग्य से। अब कुमकुम भाग्य की ये पुरानी आदत है एक ट्रैक को लंबा खींचने की, तभी तो इसकी कहानी एकदम छप जाती है दर्शकों के दिल पर। अब पार्टी सीक्वेंस कब से चल रहा है और दोनों बहनें रिया और प्राची के बीच ये कंफ्यूजन भी कि रणबीर आखिर किसे चाहता है। प्राची को जैसे ही कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अब रणबीर उसके साथ है, तभी रिया कुछ खेल खेल जाती है कि दोबारा उसका दिल टूट जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फटाफट खबरों में आगे बात करेंगे सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी की, जहां पर बन्नी खुश है युवान के साथ। अब युवान अपने घर से दूर चला गया है, घर वालों को गलत फहमी हो गई है कि आखिर बन्नी उसे घर से इतनी दूर किससे पूछ कर लेकर गई। तो वहीं युवान को देखिए वो कितना खुश है अपने घर से बाहर निकलकर और बन्नी का साथ पाकर। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल गुम है किसी के प्यार का सेट, जहां पर पाखी की माँ उसे समझा रही है कि उसे अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पाखी आगे बढ़ने वालों में से कहाँ है, उसके दिमाग में तो विराट के अलावा कोई बसता ही नहीं है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल अनुपमा की, जहां पर भरी पार्टी में अपमान हो जाता है अनुपमा के बापूजी का, और उसके बाद वही होता है टेढ़े लोगों को सीधा करना। अनुपमा और वनराज दोनों जानते हैं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, जहां पर अभिमन्यु उतारू हो गया है अपने माँ और पापा का तलाक करवाने के लिए। हालांकि पूरे घर वाले इसके खिलाफ हैं, अक्षरा भी। इसके बावजूद अभिमन्यु अपनी माँ से कह रहा है कि तलाक के कागजात पर साइन कर दे। अब देखना ये होगा कि अभिमन्यु की ये कोई चाल है क्या अपने पापा को सबक सिखाने की। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कान्हा और सयूरी का शुरू हो गया है रोमांस। कल सयूरी साड़ी पर लेस लगा रही थी ना, आज वही साड़ी पहनकर जब वो आई तो प्यार और बढ़ गया। सीरियल में ऐसा होता है।
टक्सीडो में काना और शिमरी ब्लैक साड़ी में सयूरी को देख ऐसा लग रहा है कि वो कोई रेड कार्पेट इवेंट के लिए तैयार हुए हैं। और पहली बार ऐसे लुक में देखकर इनकी नजरें एक दूसरे से हटने का नाम नहीं ले रही है। पहली बात तो इतने डिफरेंट अवतार में पहली बार आए हैं दोनों, फिर दोनों डिफरेंट अवतार में पहली बार आके एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं। सो यू नो आपकी नज़र अटक जाती है व्हेन यू सी समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दे आर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड वो भी रियलाइज नहीं कर सकते कर पा रहे हैं, देख रहे हैं एंड देन दे गो लिटिल ऑकवर्ड एंड देन से यू नो अप्रिशिएट करते हैं दूसरे को। क्योंकि काना उसे एक एक्सपो में लेके जा रहा है और शादी के बाद ये पहली बार है जब ये दोनों एज अ कपल कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं। सो मार्बल एक्सपो है जहाँ पे हम जा रहे हैं। कान्हा नोज दैट आई एम अ बिजनेस वूमन, इंडिपेंडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ। सो उनको पता है कि मैं समझदारी से यू नो उनको थोड़ी सी बैकिंग चाहिए होगी तो आई एम देयर फॉर हिम। सो वो मुझे पार्टी के लिए पूछते हैं, फिर वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ब्लैक पहन के आना। सो आई प्रॉमिस हिम दैट यू नो या ऑफ कोर्स आई विल, तो मैं प्रॉमिस निभा रही हूँ। सयूरी भी एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए काना को सपोर्ट करने जा रही है, क्योंकि एक बिजनेस वुमन का साथ होना और उसकी सलाह मिलना काना को काफी मदद करेगा। एक्सपो पर जाने से पहले आपको इस हॉट लुकिंग कपल का ये फोटोशूट दिखाते हैं। बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पैकअप के बाद क्या क्या होता है अगर ये जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। आज हम आपको दिखा रहे हैं पैकअप स्टोरी शहीर शेख की। अरे भाई डिजिटल पर वो अपना जलवा दिखा रहे हैं कि नहीं, मतलब म्यूजिक वीडियो में आने वाले हैं ना। वैसे तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में दिख चुके हैं, एक और नए म्यूजिक वीडियो में आ रहे हैं, सीरियल में तो काम कर ही रहे हैं, तो चलिए उनका भी पैकअप देख लेते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या होता है पैकअप के बाद। दिस इज हाउ आई एम। वो ब्रेक अच्छी होती है, टीवी शो से ब्रेक मिलती है मुझे, कुछ अलग करने को मिलता है, इसीलिए एक्साइटिंग लगता है। मुझे कोई टी शर्ट पसंद है और वो मैं पहले 50 बार पहन चुका हूँ तो मैं वो फिर भी वही पहनूंगा। मैं सेम चप्पल में रोज घर से आता हूँ। आज मैं SBS के साथ करने जा रहा हूँ पैकअप स्टोरी, तो आप देखेंगे कि मैं कैसे पैकअप करके घर जाता हूँ और क्या करता हूँ। आई गेस मैंने चेंज कर लिया है फटाक से और अब मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ और उसके बाद हम चलेंगे घर की तरफ। मतलब मैं अक्सर भूल जाता हूँ सुबह सनब्लॉक लगाना, तो इसलिए मैं हमेशा साइड पॉकेट में रखता हूँ सनब्लॉक, ताकि अगर मैं भूल गया हूँ तो लगा सकूँ ऑन द वे, जो बल्कि 20 मिनट पहले निकलने से पहले लगाना होता है। और क्या, अक्सर फ़ोन भूल जाता हूँ, अक्सर वॉलेट भूल जाता हूँ, बट वो चलता रहता है। मैं पैकअप होते ही निकल जाता हूँ शायद पलक झपकते, तो अभी निकलते। ओके
अच्छा लगता है कि अब घर जाने को मिलेगा, लेकिन फिर ये भी ख्याल आता है कि अभी तो एक डेढ़ घंटे की ड्राइव बाकी है। आफ्टर दैट 12 आवर शिफ्ट आपको फिर कम से कम 2 घंटे दिन के ट्रैफिक में जाते ही हैं। वैसे तो आप डाइट फॉलो करते होंगे, बट कभी ऐसा मन करता है कोई स्ट्रीट फूड खाने का मुंबई का? मैं बाहर बहुत कम खाता हूँ, मतलब अगर मैं किसी पार्टी में हूँ या दोस्तों से मिलने गया हूँ या कहीं भी हूँ, मैं डिनर घर पे जाके ही करता हूँ। ये बचपन से आदत रही है आई गेस, लेकिन मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि काफ़ी साल मैंने बाहर खाया है स्टूडेंट लाइफ में, और जब मतलब नया नया बॉम्बे आया था तो अक्सर बाहर खाना होता था, तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे ही खाऊँ। तो स्ट्रीट फूड तो नहीं, बट सोच रहा हूँ मैं क्या खाया था लास्ट मैंने बाहर। एक चीज़ होती थी अक्सर कि हम आफ्टर डिनर, मतलब घर जाने के बाद डिनर करने के बाद, अक्सर मैं पूछता हूँ अगर बाहर जाने का मन हो तो आइसक्रीम खाने जाओगे क्या, तो आइसक्रीम खाने जाते थे। म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी पहले शूट कर ली थी लेकिन अभी आ रही हैं वो, मगर हाँ पिछले कुछ महीने काफ़ी हेक्टिक गए थे म्यूज़िक एल्बम्स की वजह से, और तब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा था साथ में, वो तो अलबेला की शूटिंग भी कर रहा था और साथ में घर पर भी टाइम नहीं दे पा रहा था ज़्यादा, तो थोड़ा हेक्टिक था। बट अभी बेटर है, पहले से बेटर है, क्योंकि अभी इस महीने मैंने कोई म्यूज़िक एल्बम के लिए हाँ नहीं कहा, किसी और प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं कहा है। होपफुली अगले 2-3 महीने वैसे ही रहेगा। ऑनेस्टली म्यूज़िक एल्बम में मज़ा आता है बिकॉज 2 दिन का शूट होता है, 1 दिन का शूट होता है, और आप एक नई लोकेशन पे जाते हो, नई टीम के साथ काम करते हो, सब नए लोग होते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस होता है हर बार, एक अलग इमोशन होता है हर बार, कुछ अलग करने को मिलता है। लेकिन अगर मैं रोज़ वही करता रहूं तो शायद मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्रेक अच्छी होती है, टीवी शो से ब्रेक मिलती है मुझे, कुछ अलग करने को मिलता है, इसीलिए एक्साइटिंग लगता है। टीवी शो अपनी जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप रोज़ उन्हीं लोगों से मिलते हो तो आपके आपका उनसे एक बॉन्ड बन जाता है, उनको वो आपके लिए ऑलमोस्ट एक फैमिली के जैसे हो जाते हैं क्योंकि आप उन सबको बहुत अच्छे से जानते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, बातें करते हो, हंसते खेलते हो। और वेब में ये फ़ायदा मुझे जो अच्छा लगता है कि आपको कैरेक्टर पे काम करने का मौका मिलता है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ वी डू 5 सीन्स इन अ डेली सोप लाइक इन अ डे, अगर एक दिन में हम 5 सीन्स 6 सीन्स करते हैं डेली सोप में, तो वेब सीरीज़ में शायद 2 सीन्स। आई फील लाइक मुझे इजिप्ट जल्दी जाना है क्योंकि मुझे पिरामिड्स बहुत इंट्रीगिंग लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और मैं तो जिन जगहों पे जा चुका हूँ वहाँ पे भी फिर से ट्रैवल करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे भूटान बार बार बुला रहा है और मुझे वापस वहाँ जाना है, उन पहाड़ियों में जाना है मुझे। मैं घर जाना चाहूँगा, जम्मू जाना चाहूँगा, ट्रैवल करना चाहूँगा बेसिकली। बेस्ट है जब मैं अनाया से मिलता हूँ तो पूरे दिन की थकान गायब हो जाती है, बट मुझे लगता है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ खुद ड्राइव करके वापस जाना, मतलब खुद ड्राइव करना, क्योंकि ऑलमोस्ट गाने सुनते हुए ड्राइव करना मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। हर तरह का मेरे प्लेलिस्ट में आपको हर तरह का म्यूज़िक मिल जाएगा, मतलब प्रोग्रेसिव हाउस से लेकर कव्वाली से लेकर कुछ राग भी हैं मेरे प्लेलिस्ट में, क्योंकि एक सिंपल लाइफ जी है अभी तक और मैं अपनी बेस नहीं छोड़ना चाहता, मैं जैसा था वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो अगर मैं मुझे कोई टी शर्ट पसंद है और वो मैं पहले 50 बार पहन चुका हूँ तो मैं वो फिर भी वही पहनूंगा, मैं सेम चप्पल में रोज़ घर से आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई टेलीविजन एक्टर ऐसा करता होगा। दिस इज़ हाउ आई एम।
जैसे मैंने कहा था कि आपके अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, तो वो हमेशा रहना चाहिए। उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे आइसक्रीम खिलाओ, गोलगप्पे भी खाओ कभी कभी। तो आपने देखा कि पैकअप होने के बाद मैं क्या करता हूँ। अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके अपनी रूटीन, थैंक यू सो मच। ABP News, आपको रखे आगे।